आज मैंने ज़िंदगी में एक ऐसी रिस्की डिसीजन ले ली है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे ले ली इतनी हिम्मत नवीद, इतनी हिम्मत। समझाता हूँ क्या ली है, समझाता हूँ। क्या हाल है ब्रो? Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. तो जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पहले तो पाकिस्तान वेस्टइंडीज जैसी वीक टीम से गंदा हारी, फिर इंग्लैंड जैसी सुप्रीम टीम को, नंबर वन टीम इन द वर्ल्ड को गंदा हरा दिया, फिर बारिश ने हमारे दो आसान पॉइंट्स छीन लिए और फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को मैच गिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी जो पाकिस्तान टीम है ये स्ट्रांग है या वीक है, ये क्या है पता नहीं, नो वन नोज। इट्स द क्लासिक पाकिस्तानी स्टार्ट टू अ वर्ल्ड कप। कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस हो रही है, वन मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। लेकिन मुझ जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के आशिक के दिल के अंदर ये बात पक्की पक्की बैठी हुई थी कि भाई चीज़ें हमारे कंट्रोल में आने वाली हैं इंडिया वाले मैच के खिलाफ। इंडिया से हमारा मैच होगा, हम इंडिया को मैच में हराएंगे, हमारी स्ट्रीक टूटेगी और मैनचेस्टर पागल हो जाएगा, सेलिब्रेशन हर जगह हो रही होंगी, पूरी दुनिया चिल्ला रही होगी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरा मैनचेस्टर ग्रीन हो जाएगा। और यही मंजर पूरी दुनिया को दिखाने मैं निकला था पाकिस्तान से इंग्लैंड के लिए। लेकिन हम इंडिया से गंदा हार गए और वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए। अब तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब चारों मैचेस इन अ रो जीतने, चार मैचेस इन अ रो जो हमने शायद पता नहीं कब से नहीं जीते, उसके अलावा और भी बाकी मैचेस के रिजल्ट हमारे फेवर में जाने होंगे अगर हमने क्वालिफाई करना है तो, मतलब बहुत चक्कर हैं, बहुत पंगे हैं। तो सबसे पहले तो हुआ फिर पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच, जो पाकिस्तान बहुत आराम से अच्छी तरह जीत गई। लेकिन ज़्यादा फ्री ना हो बेटा, अभी तीन मैच रहते हैं, इजी देर इजी। 24 जून को मैं अपनी एक फैमिली कमिटमेंट की वजह से इंग्लैंड में थोड़ा बिजी हो गया तो मैं अगले मैच पे स्टेडियम में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने टीवी पर देखा जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। उसके बाद आई अफगानिस्तान, इंतहाई क्लोज मैच, अफगानिस्तान फॉट वेल लेकिन हरा दिया, अफगानिस्तान को भी हरा दिया, 3 matches in a row. Is this really happening again? क्या ये 92 World Cup exactly repeat हो रहा है? I think इस point पे इस पाकिस्तान क्रिकेट के आशिक के दिल में फिर से वो बात आने लगी कि यार चीजें हमारे कंट्रोल में आ रही हैं अब। बाद 1 जुलाई को मैं अपनी फैमिली कमिटमेंट से फारिग हुआ और 3 जुलाई को मेरी वापसी की फ्लाइट थी और मैं सोच रहा था कि यार मैं कैसे जाऊं पाकिस्तान, कैसे जाऊं, मतलब पाकिस्तान टीम ने जो ये मोमेंटम पकड़ लिया, ये मोमेंटम एग्जैक्टली पहले मैं 2 बार और देख चुका हूं, एक बार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में और एक बार 2009 के वर्ल्ड T20 में, और दोनों बार पाकिस्तान वो चीज़ जीत गई थी। I've seen this before and I've seen how dangerous Pakistan can be once they pick up this momentum and they have picked it up. लेकिन एक छोटा सा मसला है, मसला यह है कि 3 जुलाई को है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, जिसमें इंग्लैंड का हारना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई करने का सोचना भी है तो, अगर इंग्लैंड जीत गई तो पाकिस्तान आउट है, और 3 जुलाई की है मेरी वापसी की फ़्लाइट, तो अगर मैंने अपनी फ़्लाइट चेंज करानी है बाद के लिए तो मैंने उसको करानी है 2 जुलाई को, एटलीस्ट 24 आवर्स पहले। अगर मैंने 24 आवर्स पहले अपनी फ़्लाइट चेंज ना कराई तो मेरी फ़्लाइट चेंज नहीं हो सकती। लेकिन 3 जुलाई को है इंग्लैंड का मैच, अगर तो मैंने अपनी फ्लाइट चेंज करा दी और इंग्लैंड न्यूजीलैंड से जीत गई तो पाकिस्तान बांग्लादेश से जीते या ना जीते पाकिस्तान आउट है, और मेरी फ़्लाइट चेंज कराने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पैसे भी ज़ाया होंगे, काफ़ी कुछ लाइन पे है। लेकिन डिसीजन तो अभी लेनी ही लेनी है इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से पहले, और मैंने डिसीजन ले ली, मैं इंग्लैंड में रुका हुआ हूँ अब वर्ल्ड कप फाइनल तक, विच इज़ 14th of July। आज ही मैंने अपनी टिकट चेंज कराई है, आज 2 जुलाई है और अब मेरी वापसी की फ़्लाइट अराउंड 15 जुलाई की सुबह की है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम सब जब ये वीडियो देख रहे होंगे, जो अभी मैं बना रहा हूँ, हम सबको इस वक्त तक पता चल चुका होगा कि न्यूजीलैंड जीती है या इंग्लैंड। अगर तो इंग्लैंड हार गई तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में ऐसे झंडे लहराएंगे, ऐसे झंडे लहराएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, और तब तक लहराते रहेंगे जब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ज़िंदा है। और अगर तो इंग्लैंड ये मैच जीत चुकी है तो उसका मतलब है पाकिस्तान प्रैक्टिकली वर्ल्ड कप से आउट हो गई है। लेकिन कोई नहीं, झंडे तो हम तब भी लगाएंगे
और हम झंडे लहराते लहराते फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए मेरी टीम ने अपना बेस्ट दिया है इस वर्ल्ड कप में, ये मुझे पता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी टीम बेस्ट टीम है, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी टीम में बहुत कैपेबिलिटी, मुझे पता है कि बहुत टीमें मेरी टीम से बेहतर हैं, लेकिन जितनी भी मेरी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है मुझे पता है उसने वो पूरा दिया है। तो झंडे तो हम लहराएंगे। तो यस, अब तक सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर है या नहीं। देखते हैं। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है।